पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कार में स्कूटी से टक्कर लगने का विरोध करने पर नगर विधायक रितेश गुप्ता के भतीजे से मारपीट की गई। आरोप चैन लूट का भी है। शुक्रवार रात 8 बजे हुई इस वारदात की सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी स्कूटी सवार और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। नगर विधायक के भतीजे काव्य अग्रवाल ने हाल ही में बीटेक की परीक्षा पूर्ण की है। बकौल काव्य, वह शुक्रवार रात डस्टर कार से रेलवे हरतला कॉलोनी में दोस्त अमन से मिलने गया था। वहां से वापस लौटते वक्त रात 8 बजे उसकी कार को सामने स्कूटी सवार ने टक्कर मार दी। विरोध करने पर स्कूटी सवार वैभव और उसके पिता आजाद सिंह ने गाली गलौज की और मारपीट शुरू कर दी। हेलमेट, डंडे और क्रिकेट बैट से आरोपियों ने हमला किया। इस दौरान सोने की चैन भी लूट ली। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने काव्य को आरोपियों से बचाया और पुलिस को सूचना दी। काव्य वाहक एचएसओ संजीव कुमार ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। क्या हुआ? मेरा बेटा जो है काव्य जो बाहर पढ़ता है, अभी रात में आया हुआ था जी। तो वो किसी दोस्त से मिलने गया था, वहाँ से मिलकर निकला था सिलोटा कॉलोनी से, वो मिलने गया था दोस्तों। उसके बाद उसकी गाड़ी पर टक्का मारा था एक लड़के ने किसी ने। टक्का मारने के बाद उसने उसको लड़के मेरे बेटे को कार से बाहर निकाला, उसके बाद गाली गलौज करने लगा, फिर हेलमेट से उसको मारा, गाड़ी चाबी उठा के फेंक दी उसने, और उसके साथ उसका फिर बाप भी आ गया। उन दोनों ने मिलके उसको बहुत मारा, उसके बाद बदतमीजी करी, गाली गलौज करी, चीनमैन छीन ली इसकी, उनके जो भी इसने करा उन लोगों ने, तो बहुत मुश्किल से वहाँ के लोगों ने उसको बचाया, कुछ और लोग पहुँचे, उन्होंने बचाव कराया है उसका। कुछ जानकारी मिली है कौन लोग हैं? हाँ, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो उन लोगों को पुलिस दोनों उठा के ले गया।